ईद मिलाद 16 सितंबर को भारत में मनाया गया, सारी दुनिया में मनाया गया। और इस मौके पर, ईद मिलाद के मौके पर हमने देखा कि मुस्लिम मोहल्लों में गलियां या घरों पर जो तो हरे झंडे लगाना, हरे फरारे लगाना, ये हमने देखा। और यही हरे झंडे देखकर, हरे फरारे देखकर कुछ कुछ अंधभक्तों के दिल जो है तो जल जाते हैं, कुछ अंधभक्त जो है तो जल जाते हैं पूरी तरह से। उन्हें हरा रंग देखते ही उनको जो है तो नफरत होने लगती है, उनके दिमाग में ऐसा कचरा जो है तो भर गया है। और इसी बात को हम जानेंगे। और उनका कहना है कि ये झंडा, हरे रंग का झंडा जो है तो पाकिस्तान का है और भारत के लोग जो है तो क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये अंधभक्तों के साथ साथ कुछ आम लोग भी जो समझदार है लेकिन मालूम नहीं है, तो उनको भी सही लगता है कि सचमुच भारत के मुसलमान जो है तो पाकिस्तान का झंडा यूज़ करते, ऐसा क्यों, भारत में रहते हैं। तो आज इसी बात को हम जानेंगे कि आखिर ये भारत के मुसलमान जो झंडा यूज़ करते हरे रंग का, वो पाकिस्तान का है, भारत का है या किसी और का है। तो हरे रंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हरा रंग और इस्लाम का कुछ जो है ऐसा फिक्स संबंध नहीं है। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हरा रंग ही यूज़ करो आप, हरे रंग का ही झंडा बनाओ, ऐसा कुछ लॉजिक इसका नहीं है। तो बात करेंगे हम पाकिस्तान का झंडा और भारत के मुसलमानों का झंडा। भारत के मुसलमान जो झंडा यूज़ करते हैं वो पूरा जो है तो ग्रीन बैकग्राउंड का झंडा है और उसके बीच में जो है तो सफ़ेद रंग पर चाँद और तारा आपको नज़र आएगा। उसी तरह के फरारे हो गए तो फरारे भी वैसे ही हैं। तो ये झंडा, इस कलर का झंडा जो है तो भारत के मुसलमान यूज़ करते वो इस तरह का है, पूरा ग्रीन है और उसमें चाँद तारा है। और पाकिस्तान का झंडा अगर आप देखेंगे गौर से तो पाकिस्तान का झंडे के ऊपर पहले सफ़ेद पट्टी है और सफ़ेद पट्टी के बाद, सफ़ेद रंग की पट्टी के बाद एक ग्रीन कलर की जो है तो एक पट्टी है और उस ग्रीन कलर पर चाँद तारा है। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि भारत के मुसलमान जो झंडा यूज़ करते वो पूरा प्लेन ग्रीन है और उसके साथ फिर दूसरा भी कुछ कुछ लोग जो है तो जैसे उस पर ब्लैक या रेड पट्टी जो है तो यूज़ करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये झंडा जो है तो भारत के मुसलमान यूज़ करते हैं पूरा ग्रीन पट्टी वाला और उस पर चाँद तारा, और पाकिस्तान का कैसा है, सफ़ेद पट्टी, ग्रीन पट्टी और चाँद तारा। तो ये फ़र्क है। भारत के मुसलमान जो झंडा यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान का नहीं है, उनका अलग है, क्योंकि हर झंडे में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे भारत का झंडा आप इराक, ईरान का झंडा देखो, लगभग सेम लगता है हमें, एक जैसे लगता है, एक जैसा, क्योंकि ईरान का भी तीन रंगी झंडा है, तिरंगा है, इराक का भी ऐसी है, बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे होंगे तीन रंगों की झंडे हैं, सिर्फ हरा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये झंडा भी कहाँ से आया, तो हरा रंग जो है तो आज से यूज़ नहीं होता, ये झंडा जो है तो भारत में सूफी संतों के समय से जो है तो यूज़ होने लगा है। क्योंकि सूफी संत का, फ़कीरों का अगर आप ड्रेस देखोगे तो हरे रंग का था, ग्रीन रंग का, दरगाहों के ऊपर ग्रीन कलर होगा, चादर ग्रीन होगी, तो वहाँ से जो है तो ये सूफी संतों से ग्रीन रंग हमारे भारत में आया और यूज़ किया जाने लगा भारतीय मुसलमानों द्वारा। उसके बाद आज़ादी के पहले ही 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बांग्लादेश ढाका में, तब जो है तो उन्होंने मुस्लिम लीग ने यूज़ किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने अपना जब झंडा बनाया अपना, तो उसमें जो है तो उसने एक सफ़ेद पट्टी दी और ग्रीन पट्टी और उस पर चाँद तारा लिया। मतलब जो झंडा है ये भारत के मुसलमानों का, ग्रीन कलर और चाँद तारा का है। पाकिस्तान देश तो बाद में बना और उन्होंने जो है तो ये भारत के मुसलमानों का जो था वो झंडा वो जो है तो यूज़ करने लगे थोड़ा चेंज कर। तो इस तरह से कुछ लोग जो है तो गलत फहमियाँ फैला रहे कि भारत के मुसलमान यही झंडा यूज़ करते, पाकिस्तान का यूज़ करते, क्योंकि वो भी हरे हैं, ये भी हरे हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि हरे रंग का और इस्लाम का कुछ भी ऐसा खास कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर हम आप सभी देशों की अगर बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग एक ही रंग। अगर इस्लाम का अगर हरा ही रंग होता तो सब देश यही रंग का जो है तो झंडा यूज़ करते, ऐसा नहीं है। टर्की का अगर देखेंगे हम तो, तुर्की का अगर देखेंगे तो वो रेड कलर का झंडा है, इराक ईरान की देखेंगे तो तीन रंगी झंडा है, तो सबके अलग अलग है। भारत में मुगलों का भी झंडा था तो मुगलों के झंडे पर भी ग्रीन और येलो कलर जो तो कुछ बैकग्राउंड उसमें आया करता था। अगर हम इतिहास की अगर बात करें, इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके समय में जो झंडा यूज़ होता था वो एक सफ़ेद रंग का था और काले रंग का भी झंडा जो है तो यूज़ किया जाने लगा, हरे रंग का नहीं था तब। उसके बाद जो खलीफा बने, उमैद खलीफा, उनके वक्त में भी वाइट कलर का झंडा यूज़ हुआ, फिर उसके बाद ब्लैक कलर का होने लगा, तो हरा तो नहीं था तब। तो हरा रंग और इस्लाम का कुछ भी कॉन्टेक्ट नहीं है ऐसा खास, ये भारतीय मुसलमानों का है, भारतीय मुसलमानों का झंडा जो है तो ग्रीन है। तो इस वीडियो में यही बताना था, क्योंकि कुछ लोग जो है, जो कुछ आईटी सेल के हैं, कुछ जातिवादी जो पार्टियां हैं बीजेपी वगैरह, ये खास तौर पर जो तो इस तरह की बातों को जो है तो बड़े पैमाने पर उजागर करते हैं, गलत फहमियाँ, गलत पोस्ट, फेक पोस्ट जो है तो यूट्यूब फेसबुक पर डालते हैं
और लोगों को गुमराह करने का काम करते। भारत के मुसलमानों का झंडा और पाकिस्तान का झंडा, इसमें बहुत फर्क है, ये बिल्कुल अलग है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।